का तय है ना। अच्छा नागरिक बनने के बारे में सोचा किसी ने? सोच लिया पक्का। और कर्तव्य पालन करने के बारे में? चलो मैं आप में से किसी को पूछता हूं, टीचर कितने लोग बनना चाहते हैं? ये तो नौकरी पाने के लिए बनना चाहते हैं। आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं तो आप किसी गरीब के बच्चे को भी क्या एक घंटा दिन में या हफ्ते में कोई दो दिन पढ़ा सकते हैं? तो जिसके मन में, देखिए आपको कोई एक क्षेत्र अपने लिए चुनना है जो आपके दिल के करीब हो, आपको लगता है देश में इस बात को बदलाव आना चाहिए। सफाई हो तो स्वच्छता अभियान के लिए 25 साल के लिए जुड़ जाइए, शिक्षा हो तो शिक्षा के साथ 25 साल के लिए जुड़ जाइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना है तो उसके लिए 25 साल के लिए जुड़ जाइए, खेल कूद में करना है तो उसके लिए 25 साल के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि यही समय है, सही समय है, ये अमृत काल की शुरुआत है। इस समय हमें अमृत काल में जुड़कर अगले 25 साल तक उस एक आइडिया को जीना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक आइडिया पिक कर लो, दिन रात सोते जागते उसी के लिए ही जियो, और जब आप वो एक आइडिया लेकर चलते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको भी आइडिया नहीं होगा कि आप उसमें सफल ही होने वाले हो। मेरा निवेदन है, कुछ भी हो, आप कुछ भी जीवन में बने, मैं आपके लिए कामना करता हूं ईश्वर से, आप बहुत सफल हो, लेकिन एक अच्छे नागरिक अवश्य बने। कोई एक क्षेत्र अवश्य चुने जहां पे आप बदलाव देखना चाहते हैं। मैं एमपी बना, मैंने एमपी बनके अपने क्षेत्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके गया, एम्स ले गया, पीजीआई ले गया, मेडिकल कॉलेज ले गया, ट्रिपल आईटी ले गया, एनआईटी ले गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले गया, रेलवे लाइनें हिमाचल में नहीं आई थी वो ले गया, चार चार फोर लेन ले गया, सब ले गया, 9 केंद्रीय विद्यालय ले गया, लेकिन ये थे सरकारी कार्यक्रम। मेरे मन में था कि मैं जो दुनिया को ये देता फिरता हूं ज्ञान की, भाई आप अपने दिल के करीब कुछ करो, तो मैं क्या करूं। मैंने सबसे पहला प्रयास किया, 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट मैंने, मेरे पिताजी, मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर डोनेट किया, और डोनेट करने की तो ताली नहीं होनी चाहिए, चलाना बड़ा मुश्किल है भाई, उसके आगे डॉक्टर रखना है, लैब टेक्नीशियन रखना है, दवाइयां देनी है, फिर जांच का पैसा लगता है। लेकिन जो लोगों के चेहरों में चमक देखने को मिलती थी, पहाड़ों में जिन बुजुर्ग महिलाओं को अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती थी, अस्पताल गए 5-5 साल हो जाते थे, हमने उनके घर द्वार तक अस्पताल पहुंचा दिया। पिछले 5 सालों में 3 से बढ़ाकर गाड़ियां 33 हो गई, और 8 लाख ओपीडीज हमने आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट की हैं, एक भी रुपया नहीं लिया और ना ही दवाई का कोई पैसा लिया है, और यहां तक कि लिपिड प्रोफाइल तक की उनकी जांच भी बिल्कुल मुफ्त में की जाती है, बिल्कुल मुफ्त में, एक रुपया नहीं लेते।